अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। क्या देश, क्या उत्तर प्रदेश, मेरठ महानगर में भी कोरोना की दहशत के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। देखकर लगता है मानो कर्फ्यू लगा हो। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक, और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण के 153 मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विदेशों में भी 267 भारतीयों को कोरोना वायरस का संक्रमण है, जिसमें ईरान में सबसे ज्यादा 255 भारतीय संक्रमित हैं। ऐसे में दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में जिस तरह कोरोना फैला है, उस लिहाज से भारत में अब तक मरीजों की संख्या जो ज्ञात हुई है वो बहुत कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर भारत में अभी और गंभीरता लाने की जरूरत है। सोचकर देखिए, दक्षिण कोरिया, जिसकी कुल आबादी 5.1 करोड़ है, वहां 20 जनवरी से लेकर अब तक 2.5 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। इसके लिए टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। वहीं 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले भारत में जिस तरह कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। ऐसे में अगर किसी ऐसे व्यक्ति में इस वायरस की मौजूदगी है जो कभी ना तो विदेश गया और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया, तो खतरा कितना बढ़ सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। चीन से निकले इस वायरस का जिस तरह से अभी तक इलाज नहीं मिला है, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना कब, कैसे, क्यों और कहां से आया। इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ हाजिर होंगे हम एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।